बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जंपर। इस कहानी की शुरुआत में मिस्र के पिरामिड के पास हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड है, और अब डेविड अपनी कहानी बताता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब डेविड कॉलेज में पढ़ा करता था। वहीं अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की जिसका नाम मिली है, डेविड उसे बहुत पसंद करता है, उसे एक स्नोबॉल गिफ्ट करता है। तभी यहाँ पर डेविड का एक दोस्त आता है और उससे बॉल लेकर वो बीच में फेंक देता है जहाँ पर बर्फ होती है। और डेविड जब बॉल को लेने के लिए जाता है तो बर्फ की चादर पतली होने की वजह से डेविड पानी के अंदर गिर जाता है। ये देखकर मिली बहुत ज्यादा डर जाती है। डेविड ऊपर आने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाता। और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि डेविड उस पानी के अंदर से सीधा अपने आप ही लाइब्रेरी में आ गया है। उसके पूरे कपड़े भीगे हुए हैं। डेविड को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आया। इसके बाद वो अपने घर जाता है जहाँ पर उसके पिता उसे देखकर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। दरअसल उसके पिता बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। डेविड जब बहुत छोटा था तो उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी, और अब डेविड अपने शराबी पिता के साथ अकेला रहता है। अब डेविड जब अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं देता तो उसके पिता उसके कमरे में आ जाते हैं, पर वो देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि डेविड वहां पर नहीं होता। वो एक बार फिर से लाइब्रेरी में पहुंच गया होता है, और यहाँ पर डेविड को समझ में आ जाता है कि उसके अंदर कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जंप कर पा रहा है। अब वो अपने घर जाता, अपना सामान लेकर घर छोड़ देता है और किराए के एक कमरे में शिफ्ट हो जाता है। दरअसल वो चाहता है कि वो अपनी पावर को इस्तेमाल करे, उन पर कंट्रोल करे। और जब वो ऐसा करता है तो उसे समझ में आता है कि वो किसी भी जगह की फोटो देखकर उस जगह पर जंप कर सकता है, यानी कि एक जगह से उस जगह पर जा सकता है जिसकी फोटो उसने देखी है। अब डेविड को पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो एक बैंक के अंदर जंप करता है और वहां जाकर बहुत सारे पैसे चुरा लेता है। बैंक वाले इस बात से पूरी तरह से हैरान और परेशान होते हैं कि बिना दरवाजा खोले कैसे किसी ने बैंक में रॉबरी कर ली। इसीलिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रोलेक्स नाम के एक आदमी को यहां पर बुलाया जाता है। रोलेक्स एक ऐसे ग्रुप का लीडर है जिसे कहा जाता है पलेडियंस। ये वो लोग हैं जो जंपर्स का शिकार करते हैं। दरअसल रोलेक्स के पास एक ऐसी मशीन, एक ऐसा यंत्र होता है जिससे वो जंपर्स को ढूंढ लेता है, और इसी तरह से वो जंगलों में एक जंपर को ढूंढ कर उसे मार देता है। दरअसल वो चाहता है कि इंसानों के पास इस तरह की पावर्स ना रहे क्योंकि वो इन पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर डेविड को दिखाया जाता है जो बहुत ही आलीशान जिंदगी जी रहा होता है। उसके पास जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं है। वो हर उस जगह जाता है जहां पर उसका मन करता है। उसके पास पैसों की भी कमी नहीं है, और अब वो लंदन में रहता है। और एक दिन जब वो अपने आलीशान अपार्टमेंट में वापस आता है तो देखता है कि वहां पर रोलैंड है। उसे लगता है कि ये कोई पुलिस वाला है, और रोलैंड उसे बताता है कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं जंपर्स का शिकार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है जिससे तुम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। अब डेविड इससे पहले कि यहाँ से भागता, रोलैंड उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहीं पर बेहोश कर देता है, जिस वजह से वो यहाँ से जंप करके दूसरी जगह नहीं जा पाता। पर किसी तरह से डेविड अपने आप को घर के लॉकर रूम में बंद कर लेता है जहाँ से वो एक बार फिर से जंप करके इस जगह से निकल जाता है। और उसके इस जगह से निकलने के बाद रोलैंड उसके घर की तलाशी लेता है। यहाँ पर बहुत सारी फोटोज होती है, और ये फोटो उन सभी साइट्स की होती है जहाँ जहाँ आज तक उसने, यानी कि डेविड ने, जंप किया है। यहाँ रोलैंड को मिली की फोटो भी मिलती है। वही हमें डेविड को दिखाया जाता है जो इस जगह से जंप करके सीधा मिली के घर जाता है, जहां पर उसकी मॉम उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि आज से 8 साल पहले वो बर्फ के नीचे पानी के अंदर अचानक से गायब हो गया था, जिसके बाद सबने समझ लिया था कि वो अब जिंदा नहीं है। मिली की मॉम से उसे पता चलता है कि मिली एक बार में काम करती है, जिसके बाद डेविड मिली से मिलने के लिए उस बार में चला जाता है, जहां मिली उसे 8 साल बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहां पर वो लड़का भी होता है जिसने आज से 8 साल पहले बर्फ के ऊपर स्नोबॉल को फेंका था, जिस वजह से वो पानी के अंदर गिर गया था। और यहाँ पर ये लड़का मिली से बदतमीजी करना शुरू कर देता है, जो देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है, और जब ये सबकी आंखों से दूर होते हैं तो डेविड उसे जंप करके उस बैंक के अंदर फंसा देता है जहां पर उसने रॉबरी की थी, और वापस मिली के पास आ जाता है। वो मिली को बताता है कि वो एक बहुत बड़े बैंक का बैंकर है। डेविड मिली को अपने साथ रोम चलने के लिए कहता है। मिली भी उसकी बात मान जाती है,
और अभी दोनों के दोनों रोम में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अभी दोनों के दोनों रोम की सबसे फेमस जगह जिसका नाम कोलोसन है वहां जाते हैं, लेकिन अब ये जगह बंद हो चुकी होती है। लेकिन डेविड मिली से दूर जाकर अपनी जंपिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके अंदर जाता है और दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों अंदर जाते हैं। उस देर कोलोसन में घूमने के बाद इन्हें एक और जगह अंदर जाना होता है जहां का दरवाजा बंद होता है। इसीलिए डेविड एक बार फिर से मिली से दूर जाता और अंदर चला जाता है। पर इससे पहले कि वहां दरवाजा खोलता है, यहां पर ग्रिफिन नाम का एक लड़का आ जाता है। वो डेविड से कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक जंपर हो। जब तुम उस बार में जहां पर तुम अपने दोस्त के साथ लड़ रहे थे अचानक से विजिबल हो गए थे, तो मैंने तुम्हें नोटिस कर लिया था क्योंकि मैं भी एक जंपर हूं, इसीलिए मैं तुम्हारी असलियत पहचान गया। अब जब ये दोनों के दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर रोलैंड के दो लोग आ जाते हैं जो जंपर्स का शिकार करते हैं। पर इससे पहले कि वो इन दोनों को मारते, ग्रिफिन इन दोनों लोगों को मार देता है। वो इनमें से एक बॉडी को जंप करके अपने साथ ले जाता है। डेविड भी उसके पीछे जाता है। ये जगह एक डेजर्ट में होती है। ग्रिफिन यहाँ पर डेविड को बताता है कि वो रोलैंड के सभी लोगों का शिकार करता है क्योंकि रोलैंड ने ही उसके पेरेंट्स को मारा था, और अब वो रोलैंड से और उसके आदमियों से बदला लेना चाहता है क्योंकि वो जंपर्स का शिकार करते हैं। वो डेविड को ये भी बताता है कि जो लोग तुम्हारे नजदीक है, जो तुमसे प्यार करते, तुम्हें उनकी सुरक्षा करनी होगी क्योंकि रोलैंड तुम्हें बाहर लाने के लिए किसी भी कीमत पर उन पर हमला करेगा। इसके बाद डेविड वापस आ जाता है और जब वो मिली के साथ बाहर निकलता है तभी पुलिस उसे पकड़ लेती। दरअसल अंदर एक स्टाफ ने उसे देख लिया था और अब उसके ऊपर खून का इल्जाम है। जब वो पुलिस की कस्टडी में होता है तभी वहां पर एक लेडी आती है जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि ये उसकी मॉम होती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ क्योंकि रोलैंड के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, वो तुम्हें मार देंगे। डेविड इस जगह से निकलकर सीधा मिली के पास जाता है। वो उसे एयरपोर्ट ले जाता, कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। पर अब मिली को डेविड पर शक है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा बैग देखना चाहती हूँ, और जब वो उसका बैग देखती है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। मिली को कुछ समझ नहीं आता कि डेविड कौन है, वो क्या करता है, लेकिन फिलहाल डेविड उसे यहाँ से वापस घर भेज देता है। वही हमें डेविड के उस दोस्त को दिखाया जाता है जिसे उसने बैंक के अंदर छोड़ दिया था। वो अब रोलैंड के पास होता है और वो रोलैंड को सब कुछ बता देता है कि डेविड कौन है, उसका घर कहां पर है और मिली से उसका क्या रिश्ता है। अब डेविड जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर उसके पिता जख्मी हालत में है, और ऐसा रोलैंड ने किया होता है। वो अपने पिता को हॉस्पिटल ले जाने के बाद सीधा जेल जाता है जहां पर उसका वो दोस्त होता है जिसे उसने बैंक में छोड़ दिया था। वो उससे पूछता है कि तुमने रोलैंड को मेरे बारे में क्या क्या बताया। वो कहता है कि मैंने सब कुछ बता दिया, तुम्हारे और मिली के बारे में भी। मैंने बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और अब उसे समझ में आ जाता है कि मिली की जान भी खतरे में है। इसीलिए वो सीधा ग्रिफिन के पास जाता है और कहता है कि मैं रोलैंड को खत्म करना चाहता हूँ। ग्रिफिन कहता है कि पिछले 10 सालों से मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा हूँ कि मैं कब रोलैंड को मारूंगा, लेकिन उसे मारने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं काम अकेला ही कर सकता हूँ। ये कहकर ग्रिफिन उस जगह से चला जाता है, लेकिन डेविड उसके पीछे पीछे जाता है जिस वजह से ग्रिफिन को उसकी मदद करने के लिए मानना पड़ता है। और अब डेविड मिली के घर जाता है। वो दरवाजा नॉक करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती, इसीलिए जंप करके वो उसके घर के अंदर चला जाता है। मिली उसे अपने घर से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी डेविड खिड़की से देखता है कि रोलैंड मिली के घर पर आ रहा है। इसीलिए मिली को पकड़कर वो इस जगह से जंप करके सीधा ग्रिफिन की जगह ले आता है, और पहली बार मिली को यहाँ पर उसकी सुपर पावर के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि डेविड कैसे एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकता है। अब मिली यहाँ से निकलने के लिए जब बाहर निकलती है तो वो देखती है कि दूर दूर तक रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं है, यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। वहीं रोलैंड को दिखाया जाता है जो अपनी उस मशीन से, जिस मशीन से वो जंपर्स को ढूंढता है, वो इस जगह तक पहुंच जाता है। यहाँ पर डेविड देखता है कि सामने एक फोटो लगी है, और ये फोटो उसकी मॉम की है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम भी उसी ग्रुप के लिए काम करती है जो जंपर्स को मारते हैं, जिनका लीडर रोलैंड है। और अब जब वो अपनी मॉम की तस्वीर की तरफ बढ़ रहा होता है तभी रोलैंड और उसके आदमी यहाँ पर आ जाते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं और अब वो डेविड को इलेक्ट्रिक शॉक से टॉर्चर कर रहे होते हैं। रोलैंड डेविड को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी ग्रिफिन वहां पर आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करके अपने पीछे लगा लेता है। और जब वो इस जगह से बाहर निकलता है तो अचानक से अपनी पावर को यूज करके गायब हो जाता है। रोलैंड भी उसे ढूंढ रहा होता है, और अगले पल ग्रिफिन यहाँ पर एक बस लेकर आता है
जिस बस को वो रोलैंड के ऊपर गिरा देता है। अब जब ग्रिफिन अंदर आता है तो वो देखता है कि डेविड को वायर से पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। वहां पर मिली भी होती है जो उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। सबसे पहले वो डेविड को छुड़ाता है, लेकिन अब रोलैंड भी यहाँ पर आ चुका है जो मिली को अपने कब्जे में ले लेता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन ग्रिफिन के पास रोलैंड की वो मशीन भी है जिससे वो जंपर्स को ढूंढता है। रोलैंड को पता है कि ग्रिफिन और डेविड किसी भी कीमत पर मिली को बचाने के लिए आएंगे, इसीलिए वो मिली को उसी के घर पर कैद कर देता है और इंतजार करता है डेविड और ग्रिफिन का। ग्रिफिन पिछले 10 सालों से उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है, इसके लिए उसने एक बॉम्ब बनाया है। और आज ग्रिफिन के पास मौका है जब वो डेविड और उसके सभी लोगों को एक साथ बॉम्ब से उड़ाकर मार सकता है। लेकिन डेविड कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि घर के अंदर मिली भी होगी, इसीलिए वो बॉम्ब का रिमोट लेकर वहां से निकल जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करना शुरू कर देता है। ग्रिफिन भी उसका पीछा करता है और इन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, जिसके दौरान वो ग्रिफिन को एक जगह फंसा देता है। हालांकि ग्रिफिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे यहां से निकालो, लेकिन डेविड को उसकी बातों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए ग्रिफिन को वहीं पर छोड़कर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर मिली है, यानी कि मिली के घर पर। वो देखता है कि मिली उसके सामने है और जब वो मिली की तरफ बढ़ रहा होता है तभी रोलैंड और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं। उसे वायर्स के साथ जकड़ लिया जाता है और उन वायर्स को घर के साथ बांध दिया जाता है ताकि अगर वो जंप करे भी उसके साथ ये पूरा का पूरा घर और ये सारे लोग भी जंप करें। यहाँ पर डेविड जंप करने की बहुत कोशिश करता है जिससे पूरे घर में हलचल होना शुरू हो जाती है, पर वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे घर के साथ जंप कर जाता है और वो जंप करता है पानी के अंदर। अब ये पूरा का पूरा घर पानी में डूबना शुरू हो जाता है, जिस वजह से मिली को मौका मिल जाता है और वो डेविड के पास आकर उसे आजाद कर देती है। डेविड एक बार फिर से पूरे घर के साथ जंप करता है और लाइब्रेरी में घर के साथ पहुंच जाता है। रोलैंड भी उसके साथ यहाँ पहुंच गया होता है। डेविड इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से बेहोश हो गया होता है, पर जल्दी वो होश में आ जाता है। होश में आने के बाद वो रोलैंड को जंप करके यहाँ से एक बीहड जगह में ले जाता है जहाँ पर चारों तरफ चट्टानें और गुफाएं हैं और इस जगह से निकल पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। वो रोलैंड से कहता है कि मैं तुम्हें शार्क के आगे भी छोड़ सकता था जो तुम्हें मार देती, लेकिन मैं किसी की जान नहीं लेता। और इसके बाद यहाँ से जंप करके वो सीधा अपनी मॉम के पास जाता है जहाँ उसे अपनी हाफ सिस्टर सोफी के बारे में भी पता चलता है। उसकी मॉम बताती है कि जब तुम 5 साल के थे तो मुझे पता चला कि तुम एक जंपर हो, तुमने पहली बार अपनी जंप उस वक्त की थी और मैं क्योंकि एक पलेडियन थी, यानी कि मैं रोलैंड के लिए काम किया करती थी, हमारा काम जंपर्स को मारना था, तो मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं तुम्हें मार दूं या छोड़ दूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी इसीलिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। डेविड को हमेशा ये सवाल सताया करता था कि क्यों उसकी मॉम ने उसे 5 साल की उम्र में छोड़ दिया, पर आज उसे उसके सवाल का जवाब मिल चुका है। डेविड इसके बाद यहाँ से जंप करके सीधा मिली के पास जाता है। मिली उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो मिली से कहता है कि तुम कहाँ जाना चाहोगी, और ये दोनों तय करते हैं कि ये यहाँ से ऐसी जगह जाएंगे जो जगह गर्म हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। दरअसल ये दोनों के दोनों अब एक सीरियस रिलेशनशिप में आ चुके हैं और ये दोनों जंप करके इस जगह से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।